धन किया, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहां तहां अगणित योद्धा। मैंने संपूर्ण नगरी का निरीक्षण किया, लेकिन अभी तक केवल मैंने योद्धाओं को ही देखा है। इन योद्धाओं के बल से यह पता चलता है कि लंका में रावण की व्यवस्था बड़ी चौकसी रखी गई है। लेकिन एक भवन हम देखते हैं, इस भवन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहां भी कोई श्री राम भक्त रहता है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा भरनी न जाए, नव तुलसिका वृक्ष तह। ये बड़ा ही सुंदर स्थल है, आखिर यहां पर राम भक्त हो सकता है? ये समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन अगर राम भक्त होगा तो साधुते हो ही न कारज हानि, सज्जन व्यक्ति संत व्यक्ति से मिलने से कार्य की हानि नहीं होती। इसलिए मैंने ये अनुमान कर लिया है कि वास्तव में इनसे मिलकर के मैं अपने कार्य की पूर्ति करूंगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम जय श्री राम। विप्र रूप धर वचन सुनाए, देवनत विभीषण उठता है आए। मेरा प्रणाम स्वीकार कर, देख रहा हूं आपको आज निशाचरों की नगरी लंका में। आज से पहले कभी नहीं देखा, और जब आज देख रहा हूं तो हृदय में बड़ी प्रीति जागृत हो रही है। आप कौन हैं और आज अचानक मुझे दर्शन दे रहे हैं, मानो कि मेरे जीवन का भाग उदय कर रहे हैं। मुझे तो हृदय में ऐसा संशय हो रहा है कि कहीं आप स्वयं परमात्मा तो नहीं, जो रूप बदलकर मुझे दर्शन देने आ गए। यदि परमात्मा नहीं तो आपके सुंदर तेज को देखकर आभास करता हूं कि आप परमात्मा के कोई विशेष अनन्य भक्त हैं क्या? आप कौन हैं? कि तुम्हें हरी ना देखकर हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हे तात, आपने अपना परिचय देते हुए कहा मैं विभीषण आपको प्रणाम करता हूं। आपके दर्शन करने के बाद मन में बड़ी बड़ी बातें उत्पन्न होने लगी थी, क्योंकि मैं देख रहा हूं अचरज है कागो के दैलों में, दीदों में
बलिया का और आप हैं हमारे भैया श्री जगबान प्रजापति जी 21 मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दुष्टों के संग रह कर जीवन यापन सब करते, दुष्टों के संग में रह कर जीवन यापन कैसे करते हो, इन दुष्टों के संग में मैं श्री राम जी का छोटा सा सेवक, मेरा नाम हनुमान है। मैं इस समय यहां पर आया हूं, लेकिन आपको देखने के बाद ऐसा लगा कागों कौवों की समाज में ये हंस कैसा, कांटों से भरे करीलों में ये मलयागिर का चंदन कैसा, इन दुष्टों के संग में रहकर श्री रामोपासन कैसे करते होंगे, क्योंकि ये दुष्ट तो कभी भजन आपको करने नहीं देते होंगे। बस यहां संदेह उत्पन्न हो रहा है। आपने अपना परिचय बतलाया और नाम बता रहे हैं कि आपका नाम हनुमान है। हाँ, सर्वप्रथम तो आपको प्रणाम करता हूँ। धन्य है मेरा जीवन कि आपके दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि अब भरोस मोहिभा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक संतों के दर्शन नहीं होते, और जब तक संतों के दर्शन नहीं होते तब तक व्यक्ति के जीवन का जो पाप होता है उनका विनाश नहीं होता, क्योंकि संत दर्शते पातक तरह। जब संतों के दर्शन होते हैं तो व्यक्ति के पापों का विनाश हो जाता है, और जब पापों का विनाश होने लगता है तो व्यक्ति को परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, मार्ग दिखाई देने लगा। आप हैं हमारे चाचा श्री डॉक्टर पंचम सिंह जी राजपूत, आपका आशीर्वाद स्वरूप हमें ये 51 रुपए व्यासपीठ के कलाकारों को प्रदान हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मार्ग दिखाई देने लगा, लेकिन आपने पूछा कि मैं यहाँ रहते कैसा हूँ। अवश्य इस लंका में रहकर परमात्मा का भजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, लेकिन हनुमान जी आप तो जानते हैं कि जो भक्ति स्वतंत्र होती है वो सुख को देती है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन मेरा तो जीवन ही परतंत्रता में व्यतीत हो रहा है, मेरे जीवन में सुख नहीं है। यद्यपि मुख से परमात्मा का नाम लेते हैं लेकिन आंखों में जल भराता है, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि परमात्मा का नाम नित लूं और उसका आनंद लूं, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं होता। हृदय में सभीत रहता हूँ, भयभीत रहता हूँ। श्री हनुमान जी क्यों नहीं, रसना राधो राधो रसना राधी रही 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 जाए, नयन तरैया भर भर नयन तरैया भर भर रसना राधो राधो रसना राधो राधो रही 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 जीव
अजीत भैया अजीत की ओर से ये एकादश मुद्रा है, बहुत बहुत साधुवाद। कबहू की मोही प्रभु जानी अनाथा, बलि हो कृपा भानुकुलनाथा, बलि हो कृपा भानुकुलनाथा, करी हे कृपा भानुकुलनाथा। व्याकुलता होती है हृदय में, ये रसना राधो राधो, ये रसना राधो राधो, कहीं कहीं वही वही जाए, कहीं कहीं वही वही जाए। कहे हनुमान जी, क्या प्रभु मेरे ऊपर भी कभी कृपा दृष्टि करेंगे? हे भक्तराज, आपने ऐसी बातें बोली हैं कि बोलने के लिए हम विवश हैं। कबहू प्रभु मुहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। श्री रघुनंदन आप पर कभी कृपा करेंगे? आप जैसे भक्तों को पाकर क्योंकि भगवान भी धन्य होते हैं, फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझको देख लीजिए, कहो कवन में परम कुलीना, ऐसे कौन से अच्छे कुल से मैं हूं जिस पर भगवान की कृपा आज तक है। कपि चंचल सब ही विधिहीना, मैं स्वभाव से चंचल हूं, जाति से एक बानर हूं। मैं क्या भक्ति जानूं, क्या भगवान की सेवा जानूं, लेकिन मोहू पर रघुवीर, मुझ पर भगवान की कृपा सदैव बनी हुई है। फिर हमारा स्वभाव ऐसा है, प्रात ले ही जो नाम हमारा, प्रातः काल जो हमारा नाम लेकर के बुलाता है, तेही दिन ताही न मिले आहारा, उस दिन उसे आहार प्राप्त नहीं होता है। नहीं नहीं हनुमान जी, ये तो आपके हृदय के भाव है। भला जिस पर परमात्मा की कृपा हो, जो परमात्मा की सेवा करता, सुन भ्राता देखी चाहो जानकी माता, जिस पर परमात्मा की कृपा हो। आप कह रहे हैं प्रात ले जो नाम हमारा, ऐसा नहीं है। प्रात जो आपका नाम ले लेता है तो ता दिन ता ही ना मिले आहारा, उस दिन उस व्यक्ति का कोई आहार करने वाला नहीं है। ये आपके नाम का जुगत भीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। धन्य विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम। आज आपकी इस भक्ति को देखकर के मन हृदय मिलकर के आपको साधुवाद देने को कह रहे हैं। धन्य विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा नेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा प्रेम।
आपके प्रेम को साधुवाद है। लेकिन हे भक्तराज, मैं लंका जिस प्रयोजन से आया हूं, देखी चाहूं जानकी माता, मैं अपनी माता जानकी का दर्शन करना चाहता हूं। क्या माता श्री जानकी जी के दर्शन करना चाहते हैं? हाँ, लंका में ही अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे माता श्री बैठी है, हाथ में तिनका लिए है, अपनी नजरें भूमि की ओर किए हुए मुख से प्रभु श्री राम नाम का उच्चारण कर रही है। सो जाकर उनके दर्शन करें, समय समय पर मैं आपकी सेवा और सहायता करता रहूं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रूप दया